Hello friends. Uh, I am the Manju Singh, a faculty at NextIS uh, which is a part of Made Easy Group. Uh, so I welcome you all again to the Made Easy Studio uh, in this edition of Topper's Talk. So today with uh, uh, with us we have uh, Miss Manimala, uh, who's uh, who belongs from Bihar, uh, especially from Nalanda district, and she has secured all India rank forty three in Engineering Services Examination twenty eight. So first of all, congratulations, Mani, on securing a very good rank. And uh, she belongs to Nalanda, and she has done her engineering from Cochin University. सो मनी बिफोर वी यू नो प्रोसीड विद इंटरव्यू कैन जस्ट गिवस अंडाउट यू आपके फैमिली के बारे में कैसे सोचा इंजीनियरिंग uh, सर्विसज के बारे में प्रिपेयर करने के लिए सर एक्चुअली मेरे फादर एक इंजीनियर थे सिविल इंजीनियर सो उनके दिमाग में पहले से था कि ये सी इज़ अ वेरी रिप्यूटेड एंड वेरी गुड सर्विस सो ही व्हेन जब मैं घर आती थी, थी अपने कॉलेज के ब्रेक टाइम में सेमेस्टर ब्रेक्स में तो वो मुझे बैठा कर समझाते थे मतलब वो इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते थे कि ठीक है तुम तुम इस इस रास्ते चलो ऐसे पढ़ो जी। जी। ऐसे तुम निकाल लोगी वो ये कॉन्फिडेंट दिलाते थे कि ऑल तुम आई में नहीं हो एंड आई में नहीं हो बट स्टिल तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है अगर तुम मेहनत करो तो फिर वहीं से मैं लग गई और फिर मैं देखती थी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मुझे जी, कितना पढ़ना है course, मैं करूंगी, अच्छा, और फिर 2016 में, जब मेरा कोर्स ब्रेक हुआ खत्म हुआ फिर मैं मेडीजी आ गई और यहीं से एक साल का पूरा कोर्स किया और फिर okay. so, uh, जैसा कि आपने देखा I mean, भले ही आप आई आई से नहीं हो एन आई से नहीं हो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम आगे कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते बहुत लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं जैसे अगर इफ दे डू नॉट गेट अ चांस टू गेट इनटू आई आई और एन आई सो जैसे इनके फादर ने भी इनको काफी प्रोत्साहित किया मोटिवेट किया कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यू शुड नॉट थिंक कि आप आई में नहीं पढ़ रहे हो या आई में नहीं पढ़ रहे हो तो आप आगे ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट टाइप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते बिकॉज आई केम टू नो आपने गेट में भी बहुत अच्छी रैंक आई है आपकी गेट एग्जामिनेशन में राइट सो गेट भी इन्होंने क्रैक किया हुआ है एंड उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम प्रिपेयर uh, करके इन्होंने इतनी अच्छी रैंक लेके आए सो बेसिक आइडिया है कि यू डोंट हैव टू फील डीमोटिवेटेड कि आप किसी टॉप कॉलेज से नहीं आ रहे हो तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते तो जैसे उन्होंने बताया ग्रेजुएशन के बाद शी है इजी सो मनी ये बताइए कि मेड इजी में आपने uh, कौन कौन से प्रोग्राम में इन किया था और कैसे कैसे फ़ायदा हुआ हाउ डिफरेंट और हाउ सिमिलर दे देवर विध इन रिस्पेक्ट टू द रियल एग्जामिनेशन सर मैंने सबसे पहले क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया इस बैच और वहाँ सारे सब्जेक्ट को बहुत ही थॉरली और बहुत ही प्रिसाइसली पढ़ाया जाता कि इतना ही पढ़ना है बहुत सारे मटेरियल को एक साथ नहीं पढ़ना है एक फोकस्ड एक डायरेक्शन में पढ़ाया जाता है ताकि आप ना रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ों को आप जाते हो लेकिन ये यहाँ है कि आप एक फॉलो करो एक जो वे है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सॉल्व करो ताकि आपके अंदर ना आप पढ़ते रहते हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती आप उस तरह से नहीं पढ़ते हो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो यहाँ पे एक सेंस डेवलप किया गया और बहुत ही अच्छे से सारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई गई ताकि कुछ नए क्वेश्चन आए कुछ नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सके और फिर तो so, uh, जैसा uh, इन्होंने बताया कि uh, हम लोग बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं ठीक है हर चीज पढ़ने लग जाते हैं बट मे जी में इनके फैकल्टीज ने जिनसे भी गाइडेंस ले रही थी क्लासरूम uh, प्रोग्राम में उन्होंने स्पेसिफाई किया दैट यू हैव टू बी थोरली फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट इन द क्लास चाहे वो क्लासरूम नोट्स हो या लेक्चर्स रहे हों तो ज़्यादा डाइवर्जन नहीं लेना है कि ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले एक जो एक डिसिप्लिन चाहिए एग्जामिनेशन uh, के लिए वो शायद इनका यहाँ पे आके डेवलप हो क्योंकि इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो वी वी फोकस ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया लास्ट टाइम मोमेंट में पढ़ लिया और जैसा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हाईलाइट करी कि प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग यू नो कि आंसर सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं तो वो चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया तो मनी प्रिलिम्स uh, और मेन्स मतलब कैसे टैकल किया इंडिविजुअल स्टेजेस को जैसे प्रिलिम्स इज कम्पलीटली डिफरेंट मेन्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट कन्वेंशनल पेपर आता है मेन्स में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है थोड़ा जीएस पोर्शन भी आता है तो जीएस पोर्शन के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा किया और फिर मेंस के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन करी अलग से सर जीएस के लिए क्लासरूम नोट्स फॉलो किया और जो मटेरियल था वो बहुत ही सही था पुरकम कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिसाइज था मैंने उसको पेज बाई पेज वर्ड बाई वर्ड पढ़े उस समय डिसीजन मेकिंग एक डेवलप किया ताकि जो क्वेश्चन आए ऑप्शंस को मैं टिक कर सकूँ समझ कर क्योंकि एग्जैक्टली exactly वही नहीं आएगा लेकिन हाँ रिलेटेड टू समर्ड वही आएगा तो बार बार पढ़ा ताकि एक सेंस डेवलप हो जाए कि ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पर हमें ऑन द स्पॉट ही टिक करना होता है आंसर फिर मेंस के लिए तो फिर हमारे कोर्सेज uh, हुए और उन हम हमें सब्जेक्टिव को कैसे लिखना है ब्रीफली डिस्क्राइब करके और जितना रिक्वायर्ड है कि अगर फिफ्टीन मार्क्स का है तो उतना लिखना है अगर वही क्वेश्चन द टेन मार्क्स में है तो, तो उसको थोड़ा कम करके विथ ऑल द इंफॉर्मेशन उसको पुट अप करना है वहाँ पर और फिर एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है।, है आप उतने ही टाइम में और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और विथ एक्यूरेसी उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत तो hmm. फिर टेस्ट सीरीज था ही hmm. और आ, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है और सारे सारे सब्जेक्ट के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके वो पूछ ही लिए जाते हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज में सो आप ब्रश अप कर लोगे सारे टॉपिक्स को विद वेल रिवीजन सो सो जैसा इन्होंने हाईलाइट भी किया कि प्रैक्टिस इज अ की और इवन इफ़ यू स्टडी वो कभी ख़त्म नहीं होता जितना भी रिविजन कर लो बट जितना आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे दैट विल भी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू तो क्योंकि वो आपको एक डिसिप्लिन दे देगा आपको कितना लिखना है जैसे 15 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है या 10 मार्कर क्वेश्चन सेम टॉपिक पे आ रहा है तो 15 मार्कर में क्या लिखना है 10 मार्कर में क्या लिखना है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस आएगा

एन टी पी सी दिया एन एल सी दिया और भी कई सारे इंटरव्यू दिए बट कहीं भी मुझे सक्सेस नहीं मिला अच्छा। हर जगह फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता था तो okay. so, मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड थी ठीक है मैं रिटर्न तक कर लूँगी बट इंटरव्यू में मेरा क्या होगा लेकिन यहाँ के मॉक इंटरव्यूज में एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं जैसा इंटरव्यू में होता है फाइनल इंटरव्यू में होता है चेयरमैन जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे टेक्निकल एडवाइजर्स जितने होते हैं वो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एकदम रियल एक्सपीरियंस होता है सो

चेक करते हैं कि आप सुटेबल हो फॉर द जॉब सो वैसे एक्सपीरियंस सेम वैसा एक्सपीरियंस हमें मिला इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में और मुझे वन थर्टी मिले मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि <laughs> मार्क्स होते हैं थर्टी मैंने मतलब बहुत कम लोगों को सुना हो इतने मार्क्स मिले इंटरव्यू में और हर जगह मुझे फेलियर्स मिला था अभी तक के इंटरव्यू में तो मेरा में, मेरे अंदर एक फियर था कि मैं इंटरव्यू तो नहीं कर पाऊंगी बट आफ्टर मेडीजी के मॉक ने आपको बेसिकली कंफर्टेबल फील कराया एंड दैट कॉन्फिडेंस वापस आया सो so, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि इन ब्रिलियंट थ्रू आउट द करियर एकेडमिक वाइज और हर हर इंटरव्यू में अपीयर किया बट इंटरव्यू में कुछ ऐसा हो जाता था, था इनके साथ कि सम हाउ शी वॉज नॉट एबल टू दू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट बट वेन शी यू नो केम बैक एंड ज्वाइन मेडीजी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सो so, वहां पर इन्हें ये एक्सपीरियंस मिला रियल टाइम इन्वायरमेंट और मेडीसी uh, का पैनलिस्ट ऐसा होता है कि उसमें एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं विच आर सिमिलर ऑन द पैनल ऑफ द यूपीएससी का जो फाइनल पैनल होता है तो उन्होंने सिमिलर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इनके साथ करी और मेरे ख्याल से जो इनको इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू में मार्क्स मिले होंगे उससे बेहतर मार्क्स मुझे लगता है इनको फाइनल इंटरव्यू में मिले तो एक तरीके से इनके अंदर जो एक फोबिया डेवलप हो गया था एक साइकोसिस डेवलप हो जाता है फियर साइकोसिस हो जाता है इंटरव्यू का कि uh, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली हमने Uh, बहुत बहुत पढ़ाई में बट इंटरव्यू के टाइम तो लिस्ट में ना देख पाना अपने बड़ा डिसहार्टनिंग होता है कॉन्फिडेंस हो जाता है तो इट नो रियलीड मेरे लिए जानना कि मे uh, डीजी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था इमेंसली हेल्पफुल रहा कैन शी वॉज एबल टू उसको वन मार्क्स दैट्स लाइक ब्रिलियंट मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आ, मनी ये बताइए फिर आ, फिर आप जब फाइनल रिज़ल्ट ना, आपका नाम आया तो फाइनली जैसे आपका हमेशा लगता था कि इंटरव्यू के बाद नहीं हो रहा है तो जब फाइनली यहाँ पे आपका फाइनलिस्ट में नाम आया तो कैसी फीलिंग थी उस समय कैसा फ़ील हुआ आपको उस समय जब क्योंकि फाइनली एक बार इंटरव्यू देने के बाद फेलियर्स देखने के बाद आपने ये क्रैक किया एग्ज़ाम सर आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी मैं बहुत खुश थी बस अपने कॉल लगाया जी. और मुझसे ज्यादा वो श्योर थे उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा हुआ या नहीं हुआ एक्चुअली वो शाम सात बजे वेट किया करते थे कि मैं बताऊँगी रिजल्ट आया या नहीं बट इस बार मैंने कॉल किया उन्होंने सीधा यही पूछा रैंक कितनी है सो so, मैं थी कि मैं डर रही थी बट मेरे पेरेंट्स काफी थे कि हो जाएगा जस्ट वो वरिड थे कि रैंक कितनी आएगी सो मतलब पेरेंट्स का देखे विश्वास था हमेशा से अपनी बेटे के ऊपर की ये

मैं बस अपने सक्सेस को और आगे तक ले जाऊंगी कोशिश करूंगी मैं आगे भी सक्सेस हो जाऊँ जी तो आ, जैसे कि आप जानते हैं की मेडिजी क्या पार्ट है एक नेक्स्ट सो नेक्स्ट आई एस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन सो जो भी कैंडिडेट्स uh, जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियर्स हैं इवन इफ आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं इफ़ दे वॉन्ट टू यू नो गेट गाइडेंस ऑफ एनी सॉर्ट फ्रॉम मे डी जी आई एस सो देर मोर देन वेलकम यू कैन गो ऑन वेबसाइट एंड चेक आउट द डिटेल्स सो मनी फाइनलीम वेरी ग्लैड कि आप टाइम निकाल पाए नो एंड यू केम टू शेयर एक्सपीरियंस एट आर मे डी स्टूडियो एंड आई एम रियली हैप्पी की मे डी के प्रोग्राम ने आपके लाइफ में एक इमेंस चेंज